सब्सक्राइब कीजिए बी न्यूज चैनल को और सबसे पहले ताजा खबर जानने के लिए इस बेल आइकन को भी दबाएं। नमस्कार, मैं ब्रजेश कुमार सिंह और आप देख रहे हैं बी न्यूज। आपको बता दें कि कोरोना वायरस के चलते पूरे भारत आज लॉकडाउन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर भारत में जनता कर्फ्यू लगाएगा। आप देख सकते हैं कि देवरिया जनपद की ये तस्वीरें आपके सामने, जो वीडियो आप देख रहे हैं, देवरिया जनपद की सीवेज लाइन रोड है, गोरखपुर रोड, जहाँ पर एकदम शांति दिख रहा है। हर वक्त भीड़ भाड़ होने वाली जगह पर आज कोई भी व्यक्ति नहीं दिख रहा है। जनता कर्फ्यू को लोग समर्थन दे रहे हैं, क्योंकि भारत में अगर इस तरह की कोरोना वायरस जैसी घातक संक्रमण के रोगी ज़्यादा मिलने लगे तो हालत बद से बदतर हो जाएगा। उससे पहले ही सतर्कता बरती जा रही है। आपको बता दें कि जो आप देख रहे हैं सारी तस्वीरें देवरिया जनपद की हैं। इस सड़कों पर रोज हजारों की संख्या में लोग रहने वाले, लेकिन अब सड़कों और चौराहे पर कोई दिखने वाला नहीं है। कोई भी दूर दूर तक नज़र घुमाने पर कोई व्यक्ति नहीं दिख रहे है। देख सकते हैं आगे कि देवरिया जनपद के रेलवे स्टेशन पर भी किस तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है। आपको बता दें कि भारत में इससे सतर्कता बरती जा रही है कि लोगों को इससे बचाया जा सके, लोग इस बीमारी से बचे। लॉकडाउन हो रहा है इसीलिए कि लोग इस तरह की घातक बीमारी की चपेट में ना आए, क्योंकि आज ही एक इटली से विमान भी आई है लोगों को लेकर, जो इटली में भारतीय मुल्क के लोग फंसे हुए थे उन्हें इटली से इंडिया लाया जा रहा है। साथ ही आपको बता दें कि जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये देवरिया जनपद की है, और देवरिया जनपद में पूरी तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनता कर्फ्यू सफल नजर आ रही है। लोगों की भविष्य को चिंता करते हुए उन्होंने किया है। शायद हो सकता है कि जब तक कोरोना वायरस धीरे धीरे कम ना हो जाए, लोगों को आपस से दूरी रखनी चाहिए, किसी भी अनजान व्यक्ति से भी नहीं मिलनी चाहिए। जैसे कि आप जानते हैं, लगातार आपको बताया जा रहा है, आप देख सकते हैं कि किस तरह से देवरिया जनपद में कहीं भी कोई आदमी नहीं दिख रहा है। तो इसी तरह की खबर देखने के लिए इस बी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिए। मिलते हैं फिर एक नई खबर, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।